दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जैसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यह गलत हुआ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो अपडेट है वह अपडेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारी गलियाँ मिलने वाली है, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह फेस्टिवल डिटेल पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक दिमाग से देखना, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस एक चीज के लिए चंद्रयान 3 को एक ऐसे प्लेस यानी कि चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया गया था, उसकी तो डिस्कवरी चंद्रयान 3 ने की ही नहीं, बल्कि उससे पहले ही चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाल दिया गया और इसे एक सक्सेसफुल मिशन बताया गया। लेकिन इसकी असली सच्चाई पूरी दुनिया के साथ साथ हम भारतीयों से भी छुपाई गई है, लेकिन अब भारत में नहीं तो कोई मीडिया पर बात कर रहा है और नहीं तो कोई यूट्यूब पर। इसलिए मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपने व्यूअर तक असली सच्चाई पहुंचा सकूं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। द वाटर मिस्ट्री, ओम्फ मून तो साल 1968 से वैज्ञानिकों को यकीन था कि पानी बर्फ के रूप में चांद के नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद इन डीप डार्क क्रेटर के अंदर वाटर की के रूप में जमा हो सकता है, क्योंकि देखो चांद के इन नॉर्थ और साउथ पोल के यह क्रिएटर इस तरह से एंगल है ना, क्योंकि इन्हें सूरज की डायरेक्ट रोशनी कभी मिलती ही नहीं, इसलिए यह क्रेटर पूरे सोलर सिस्टम की वह जगह है जिन्हें सबसे ठंडी जगह में से माना जाता है, जहां पर मिलियन ईयर्स से सनलाइट नहीं पहुंची है। अब साल 2009 में पहली बार था जब चंद्रयान 1 की मदद से इस पूरी दुनिया को मून के पोल पर मौजूद इन क्रिएटर के अंदर वाटर आई के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिग्नेचर मिले थे, जिन्हें बाद में नासा ने भी कंफर्म किया है। साल 2019 में चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटल इन वाटर मैप्स को कंफर्म किया गया था। अगर वैज्ञानिकों की एक्सपेरिमेंट की माने तो इन क्रिएटर के अंदर 6 मिलियन वाटर आइस मौजूद हो सकते हैं, जिस बॉर्डर की को मून सरफेस पर क्लाजली एक्सपेरिमेंट करके हम इंसानों ने आज तक कई ऐसी चीज और मिशन किए हैं जिनमें हमने रोवर तक भी भेजा है, जिनमें से एक मिशन रिसेंटली भारत द्वारा किया गया चंद्रयान 3 है, जिसे मून के साउथ पोल पर वाटर सैंपल अनेक चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया था, और इसे मून के साउथ पोल पर भेजने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था, क्योंकि मून के साउथ पोल पर मौजूद क्रिएटर्स में सनलाइट ना के बराबर पहुंचती है, यानी कि वाटर आइस को ढूंढने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। और इसीलिए इतने चैलेंजिंग के बाद भी, चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के बाद भी, भारत में मून के साउथ पोल पर जाने का ही फैसला लिया। पर क्या चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर या विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोल के सरफेस पर वाटर यानी कि H2O मॉलिक्यूल सिग्नेचर मिली है या नहीं? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 मून मिशन। दोस्तों, 4 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जिनमें 3 कंपोनेंट को चांद तक भेजा गया, जिनमें से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर और प्रोफेशनल मॉडल। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2023 के दिन चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसने भारत को मून के सरफेस पर लैंड करने वाला चौथा और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना दिया। अब इस लैंडिंग के बाद जहां पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उसे लैंडिंग साइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। साथ ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 23 अगस्त को चांद का नेशनल डे भी अनाउंस कर दिया गया। तो दोस्तों, लैंडिंग के दौरान विक्रम के पावरफुल थिएटर ने चांद के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग की जगह से ऊपर की ओर उड़ गई थी, इसलिए कुछ समय तक विक्रम लैंडर इस चांद के साउथ पोल की धूर से पूरी तरह से ढक गया था, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा एग्जैक्ट हेलो नाम दिया गया था। पर विक्रम लैंडिंग की सक्सेसफुल लैंडिंग के कुछ समय बाद यह एग्जैक्ट हेलो वही समा गई थी। तब विक्रम लैंडर के अंदर से 27 किलो वजन वाला 4 पहियों के साथ प्रज्ञान रोवर बाहर निकाल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स और अन्य चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कई इंपॉर्टेंट अंदरूनी यंत्र लगे थे। तो दोस्तों, प्रज्ञान रोवर पर वाटर क्रिएटर को चेक करने के लिए APX और LIBS के नाम के 2 यंत्र लगे थे, लेकिन इन दोनों का काम एक साथ था।
पर काम करने का तरीका अलग अलग था। और दोस्तों, इन्हीं की वजह से प्रज्ञान रोवर ने चांद की साउथ पोल की सर्विस पर लोहा, ओनिक्सीज, सिलिकॉन, सल्फर, टाइटेनियम जैसे कई तत्वों को खोजा था। लेकिन 2 हफ्तों तक रिसर्च करने के बाद भी चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को कहीं पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिले और 4 सितंबर आते आते वैज्ञानिकों के पास समय खत्म हो गया, क्योंकि तब चांद पर रात के समय की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि तब चांद का टेम्परेचर अनियंड 20 तक चला जाता है, जिसके लिए चंद्रयान 3 को डिजाइन नहीं किया गया था, जिसका कारण था इस मिशन का लो बजट। और दोस्तों, इसीलिए ना चाहते भी 4 सितंबर को मून नाइट स्टार्ट होने पर इसरो को, ना चाहते भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को मून सरफेस पर वाटर आइस डिस्कवरी न किए जाने के बावजूद भी विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालना पड़ा। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों को अभी तक पता था कि यह मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी कुछ वैज्ञानिकों के अंदर आशा की किरणें बची हुई थीं कि शायद 22 सितंबर 2023 को विक्रम लैंडर और रोवर द्वारा से नींद से जाग जाए। लेकिन 22 सितंबर के बाद इनने द्वारा से सिग्नल मिले तो यह उसे संपर्क नहीं जुटा सके। इसका मतलब सिंपल सा था, यह दोनों इतने टेम्परेचर पर डैमेज हो चुके थे और यह केवल अब मून पर भारत के पहुंचने की एक निशानी के रूप में मौजूद है। वैसे मून पर पानी की डिस्कवरी न किए जाने पर भी इसरो ने इस मिशन को सक्सेसफुल बता दिया, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि दुनिया की इसरो पहले एजेंसी है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड की है और साथ ही चांद के साउथ पोल पर मौजूद कार्डो की डिस्कवरी की है। वहां पर जाकर इसने ऐसी एलिमेंट को खोजा है जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था। लेकिन इसरो का चांद पर जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? पानी की डिस्कवरी करना। इसके बारे में हमें इस मिशन में ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं और किसी ने उतना ध्यान दिया भी नहीं। हालांकि हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 को जिस काम के लिए चांद की भयानक दुनिया में भेजा गया था, वह इसने काम तो किया ही नहीं। लेकिन बस अब मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या आप इस सब के बाद चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल कहेंगे या फिर फेलियर? वैसे एक भारतीय होने के कारण मेरे लिए यह तो बहुत बढ़िया है कि हम चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल पर गए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को ऐसी मिशन में गिना जा रहा है जो चांद पर वाटर को डिस्कवर करने में फेल हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 फेल हुआ है या सक्सेसफुल? तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे हर किसी को पता चल सके कि चंद्रयान 3 चांद पर क्या करने के लिए गया था। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, वंदे मातरम।